कबा चित्रकूट से नए नवेली दबंगों ने हमले के बाद लगाया पीड़ित पर निराधार आरोप। कोतवाली करवी के अंतर्गत कालूपुर में 17 तारीख की देर रात 8 बजे जो घटना हुई थी उसमें धर्मेंद्र तिवारी शुभम रैदास को उसके घर तक छोड़ने गया था, जबकि दोनों शराब के नशे में थे तो शुभम के घर वालों ने धर्मेंद्र तिवारी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, जिससे धर्मेंद्र तिवारी का सर फट गया, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन शुभम के पिता द्वारा धर्मेंद्र तिवारी समेत जानकी शरण द्विवेदी व अन्य लोगों के ऊपर अवैध तमंचे का आरोप लगाया गया, जबकि धर्मेंद्र तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं अकेला था और इन लोगों के ऊपर निराधार आरोप लगाया जा रहा है, जबकि इस झगड़े में धर्मेंद्र तिवारी के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस शुभम रैदास जैसे नए नवेली दबंगों का क्या करती है। ये बताइए, जो 17 तारीख को घटना हुई थी आपके यहाँ यहाँ कालूपुर में, तो कैसे हुई थी, ये कौन सा गाँव है? ये कालूपुर पास में है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी। मेरे यहाँ वो लड़का शुभम काम कर रहा था। तो कितने बजे की घटना है 17 तारीख की? 8-8:30 बजे शाम के। शाम अच्छा, तो कैसे हुआ? हम उसको घर छोड़ने गए थे, दारू के नशे में था, चल नहीं पा रहा था, तो उसको घर छोड़ने गए थे। जैसे घर छोड़े उसके परिवार के चाचा दादा के लड़के जान लेवा हमला कर दिया लाठी डंडों से कुल्हाड़ी लेकर मेरे सर में पहले चोट आ गई। तो वो कई लोग थे, कौन कौन थे वो जो आपको मारने पीटने लगे? आप कई लोग थे? हम लोग तो अकेले थे। अकेले थे, और वो कई लोग थे? कौन कौन लोग? 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे। क्या नाम है उनका? लल्लू राम और राहुल और नाते जी और लल्लू जी और कई लोग थे। अच्छा, क्या काहे से मारपीट हुई, क्या औजार लिए थे? बोलिए थे कुल्हाड़ी और धारदार हथियार थे, डंडा। अच्छा, तो जो ये आपके लगा है तो ये कैसे लगा, क्या चीज लगा है, काहे से मारा? धारदार कोई हथियार लगा है मेरे। अच्छा, उससे के फिर ये दवा पट्टी कहाँ करवाने हैं? जिला अस्पताल में। अच्छा, वो भी गए, आप भी गए जी? तो अभी जाँच वाँच रिपोर्ट मिली ना होगी? नहीं मिली। अच्छा, और जो बता रहे थे कि ये जानकी शरण थे, ये लोग सब नहीं थे, ये सब झूठा जान लगा रहे हैं, तो इनको क्यों लगा रहे हैं? ये वैसे ही फिर बाद में गए हैं सुबह, वैसे ही नहीं। उनकी कोई बुरा बुराई थी क्या, कि मतलब इनको कोई बुराई थी ना? हमारी बुराई थी, कोई बुराई नहीं थी, हम उस बालक को छान नहीं गए। नहीं, कि जैसे जानकी शरण जी का नाम ला रहे थे कि वो भी मारपीट में थे, तो क्या हकीकत में थे कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं? झूठा आरोप लगा रहे हैं, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। जानकी शरण द्विवेदी जी नहीं, वो नहीं थे, सब फंसाने के चक्कर में थे। तो फिर आपको छुटाने उठाने कौन गए थे, आपके भाई लोग कोई गए थे? हाँ, मेरे भाई लोग थे, गए हैं तो बीच बचाव किए हैं। जैसे बता रहे थे कि ये लड़की थी हमारे घर में पी करके नशे में छेड़खानी किया, ये क्या हकीकत है? नहीं, ये कोई गलत अंजाम है, हम बाहर गए थे, बाहर से धक्का मुझे दिए हैं, बालक को छोड़ने गए, उनको लीजिए आपका बालक आ गया सुबह वही। अच्छा, ये झूठा फंसाने के लिए बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बताइए कि आपके यहाँ तो फूट गए हैं, मतलब और जो चोटें आई हैं तो दिखावा नहीं है, मार मिली है ना? हाँ, जी जी, और भी तरफ हमारे सीने में दर्द है और हाथ में है और सब सिर में चोटें। तो आपके चोट जो आप ये कह रहे हैं कि तमंचे लेके छेड़खानी किया और मारा पीटा, तो ये बताइए तमंचा क्या सबूत उनके पास है? जब ये सब गलत आरोप है, गलत है, ये कोई तमंचा वमंचा लेकर कोई नहीं गया था, ना कोई था, कोई सबूत वो दिखाए नहीं, झूठ कह रहे हैं। हाँ भाई, जो झूठ अफवाह कर रहे हैं भाई, जो सच्चाई होती तो सामने लाते। कोई तमंचा था नहीं था, झूठ अफवाह है, सब उड़ा रहे हैं बेमतलब। अच्छा, मारपीट बाहर हुई थी, घर का नाम है लगा रहे हैं, घुस करके नहीं हुई है? नहीं नहीं, घुस बाहर ही हुई है, बाहर ही रोड में हुई। अच्छा, घर में झूठा जाम लगा रहे हैं, घर में झूठा फंसाने के लिए। खबर भारतवर्ष के लिए चित्रकूट यूपी से रमा मिश्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।